वो तस्वीर और भी दिल को खुश कर देगी। मकर संक्रांति में जिस तरह तिल चूड़ा गुड़ की अपनी अहमियत है, उसी तरह दूध और दही का भी अपना खास स्थान है। दूध और दही की किल्लत आम लोगों को ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सहकारी संस्था कॉम्फेड की भरोसेमंद यूनिट सुधा ने पिछली बार की तुलना में इस बार 5 लाख लीटर दूध ज्यादा खपत होने का अनुमान लगाया है। उसी तरह दही भी 1 लाख किलोग्राम ज्यादा खपत होगा। पटना सुधा के एमडी एसएन ठाकुर की माने तो इस बार 9 जनवरी से 14 जनवरी तक 35 लाख लीटर दूध पटना और उसके आसपास के जिलों में सप्लाई करने की तैयारी है। साथ ही 6 लाख किलोग्राम दही भी रिटेल चैन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बाजार में 100 ग्राम से लेकर 18 किलो के पैक में दही आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी की ओर से इस बार खोया का तिलकुट भी बाजार में उतारा जा रहा है। मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां काफी तेज है, दूध और दही की सप्लाई कम न पड़े इसके लिए कंपनी की ओर से भी कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम लोग सुधा के प्लांट में हैं और हमारे साथ रुपेश राज हैं जो यहां के फैक्ट्री मैनेजर हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या खास रहने वाला है और किस तरह की तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं, क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, हर साल की अपेक्षा हर साल के जैसा ही इस साल भी हम लोग मकर संक्रांति में दही की जो प्रचुर मात्रा जो है अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का संकल्पित हैं। और इस बार जो है जो दही के लिए और दूध में भी हर साल जो हमें जो ग्रोथ मिलता है, दही में इस बार अनुमानित ग्रोथ जो है 30-35% का हम लोगों ने रखा है। और दही को हम अपने उपभोक्ता के लिए हर एक पैक साइज में उपलब्ध करा रहे हैं। मिश्री दही 80 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम का प्लेन दही जो कप होता है उस साइज से लेकर के 16 किलो के जार तक अवेलेबल है। और पाउचेज में भी उपलब्ध है ये 400 ग्राम और 1 किलो के पाउचेज में।